हेलो एवरीवन, जैसे कि ट्रांसलेशन आती है जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में, आपको लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना होता है आपको इंग्लिश टू हिंदी। सो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि आप कैसी ट्रांसलेशन हम करके देखेंगे। एक पहले मैंने आपको पहले भी पैरा हम लोगों ने किया था, तो आज हम अनदर एक और पैरा हम डिस्कस करेंगे, उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। ऐसे करके आपके काफ़ी पैराज हो जाएंगे और आपको ट्रांसलेशन आप कर पाओगे। अगर आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। सो लेट स्टार्ट विद आर टूडेज पैराग्राफ। सो दिस इज इट, ठीक है। सो इसे हमें ट्रांसलेट करना है फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। मैंने लाइन्स में लिख दिया है पैरा ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। सो लेट सी वन बाय वन कि कैसे आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है, क्या मीनिंग है सेंटेंसेस के। सो कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कंप्यूटर एक आश्चर्यजनक मशीन है, ठीक है। वंडरफुल को हम क्या लिखते हैं, आश्चर्यजनक। आपको सिर्फ पता ही नहीं होना चाहिए कि इसके क्या मीनिंग्स हैं, बट आपको स्पेलिंग्स भी अपने ध्यान में रखने होंगे कि स्पेलिंग्स कैसे हैं। सो जब भी आप प्रैक्टिस करो साथ में उसको रिटन में लिख के प्रैक्टिस करना, ताकि आपको स्पेलिंग्स भी आपके करेक्ट हो जाएं। सो कंप्यूटर एक वंडरफुल को कहते हैं आश्चर्यजनक, अद्भुत, ठीक है, आप लिख सकते हो। और मशीन हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में, सो कंप्यूटर को स्पेलिंग्स ये हैं। सो कंप्यूटर एक आश्चर्यजनक मशीन है। नेक्स्ट इज इट कैलकुलेट्स एट ए वेरी हाई स्पीड विद एक्यूरेसी, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट कैलकुलेट्स एट ए वेरी हाई स्पीड विद एक्यूरेसी। वेरी को हम कैसे लिखेंगे, अत्यंत, ठीक है। हाई स्पीड को कैसे लिखेंगे, शीघ्र गति। स्पीड को क्या कहते हैं हिंदी में, गति। और हाई स्पीड, वेरी हाई को क्या कहते हैं, अत्यंत शीघ्र से पूर्णतः सही गणना करता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, कैलकुलेट का क्या मीनिंग है, गणना, ठीक है। पूर्णतः क्या है, एक्यूरेसी। सो यह अत्यंत शीघ्र गति से पूर्णतः सही गणना करता है। कैलकुलेट को हम हिंदी में गणना कहते हैं, कैलकुलेट को क्या कहते हैं, गणना। सो आप अलग से नोटबुक में ऐसे करके भी लिख सकते हो कि कौन से वर्ड को क्या क्या कहते हैं। अगर आपको सेम चीज़ आपको पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में आती है, तो आप उसको लिख पाओगे। नाउ नेक्स्ट इज अ मैन मे कमिट अ मिस्टेक इन कैलकुलेशंस बट कंप्यूटर कैन नॉट, ठीक है। मैन को हिंदी में कहते हैं मनुष्य, यू कैन सी मनुष्य। सो मैंने आपको बताया, ठीक है, हम कैलकुलेशंस को क्या कहते हैं, गणना। सी नेक्स्ट उसमें लाइन में आ गया तो आपको पता चल गया गणना। मिस्टेक को कहते हैं हिंदी में गलती। सो इसकी हम हिंदी कैसे बनाएंगे, मनुष्य गणना में गलती कर सकता है। बट को हिंदी में कहते हैं किंतु, किंतु एक कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है, ठीक है। मनुष्य गलती कर सकता है बट कंप्यूटर वो गलती नहीं करता है। सो हमने कौन कौन से वर्ड सीखे, ठीक है, यू कैन राइट इट ऑन द नोटबुक। वंडरफुल को कहते हैं आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। कैलकुलेट को गणना, वो हमने लिख लिया। मैन को मनुष्य, बट को कहते हैं किंतु, ठीक है, आपके वर्ड्स ऐसे करके याद हो जाएंगे आपको। और ये थे आपके वर्ड्स, ठीक है। हाई स्पीड को कहते हैं, हाई स्पीड को क्या कहते हैं, स्पीड को कहते हैं गति, ठीक है। ऐसे करके आप वर्ड्स लर्न कर सकते हो। नाउ सी नेक्स्ट, इट वर्क्स लाइक द ब्रेन ऑफ एन इंटेलिजेंट मैन। नाउ अगेन वर्ड यूज हुआ, ठीक है, मैन यूज हुआ है यहाँ पे, मनुष्य यूज कर सकते हो आप, ये व्यक्ति भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सो वर्क को क्या कहते हैं हिंदी में, कार्य करना, ठीक है। और इंटेलिजेंट को, मैन को क्या कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति। यहाँ पे हमने मनुष्य नहीं यूज किया, क्या किया है, बुद्धिमान व्यक्ति। ब्रेन को हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यह है एक बुद्धिमान व्यक्ति के मस्तिष्क की भांति कार्य करता है। लाइक को कहते हैं भांति, वर्क को कहेंगे कार्य करता है। सो यू कैन सी द स्पेलिंग्स ऑफ बुद्धिमान, ठीक है। इंटेलिजेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, बुद्धिमान। नाउ इट हैज नॉट टू ड्रिंक, थिंक और वेट। थिंक को क्या कहते हैं हिंदी में, सोचना। वेट को कहते हैं, ठीक है, कि प्रतीक्षा करना। हम कहते हैं किसी की वेट करे, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सो इसको सोचना नहीं पड़ता है, इसको थिंक नहीं करना पड़ता है, एंड ना ही इसको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, इसको प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती है। यू पुश द बटन एंड आंसर इज हेयर, ठीक है। क्या करना पड़ता है आपको, आप बटन दबाइए। पुश का क्या कहते हैं हिंदी में, दबाइए, और उत्तर प्रस्तुत है। आंसर इज हेयर का मतलब है उत्तर, आंसर को कहते हैं हिंदी में उत्तर, और प्रस्तुत है। सो दिस इज द हिंदी ऑफ दिस लाइन।
नाउ नेक्स्ट इज इट इज नेवर टायर्ड. टायर्ड कहते हैं थकावट होना, थकान होना. सो कैसे लिखेंगे हम इसे, यह कभी नहीं थकता है. इट नेवर फॉरगेट्स. फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, कुछ भूल जाना. सो यह कभी नहीं भूलता है. नेक्स्ट इज इट डज नॉट डू मिस्टेक्स इन कैलकुलेशंस. नाउ अगेन कैलकुलेशन वर्ड हमें फिर से आ गया. कैलकुलेशन को क्या कहते हैं, गणना. सो यह गणना में त्रुटि नहीं करता है. मिस्टेक को क्या कहते हैं हिंदी में, त्रुटि करना, ठीक है, कोई गलती करना. सो क्या कैसे लिखेंगे हम, यह गणना में त्रुटि नहीं करता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. सो इंटेलिजेंट, यू कैन राइट इट सेपरेटली. इंटेलिजेंट मैन को कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है. ब्रेन को हमने पढ़ा, क्या कहते हैं, मस्तिष्क, ठीक है. और उसको कहते हैं, टायर्ड को कहते हैं थकावट, थकान होना, थकावट होना, या फिर कुछ भी आप ऐसे करके सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हो. फॉरगेट को हम कहेंगे हिंदी में भूलना. मिस्टेक को कहेंगे हिंदी में त्रुटि. कैलकुलेशंस का हमने पीछे लिख लिया था, गणना. लेट्स सी नेक्स्ट. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी फील्ड्स, ठीक है. तो मैनी फील्ड्स को हम क्या लिखते हैं हिंदी में, विभिन्न क्षेत्र, ठीक है. तो हम कैसे लिखेंगे, कंप्यूटरों का यूज्ड को हिंदी में कहते हैं उपयोग करना. सो कंप्यूटरों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है. कंप्यूटर्स हैव एजुकेशनल वैल्यू ऑल्सो. कंप्यूटर का शैक्षिक महत्व भी है. शैक्षिक महत्व भी है. एजुकेशन का मतलब शैक्षिक होना, शिक्षा, ठीक है. तो उसको हम कैसे लिखेंगे, शैक्षिक महत्व भी है. सो मैनी फील्ड्स को कहेंगे हिंदी में विभिन्न क्षेत्र. यूज्ड का, यूज्ड को कहते हैं उपयोग होना. नेक्स्ट लाइन इज ये हेल्प वेरी मच इन टीचिंग सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एटसेट्रा. सो इसकी हिंदी क्या होगी, वेरी हेल्प को क्या कहेंगे, सहायता करना, ठीक है. टीचिंग सब्जेक्ट्स को कैसे हम लिखेंगे, बहुत, लेट सी, वे भौतिक शास्त्र, मतलब कि भौतिक शास्त्र क्या हो गया, ठीक है, फिजिक्स. केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र. मैथमेटिक्स को हिंदी में कहते हैं गणित, ठीक है. तो इसकी हिंदी क्या होगी, वे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित आदि क्षेत्रों में के शिक्षण में बहुत सहायता करते हैं, ठीक है जी. टीचिंग सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र हो गए, अलग अलग विषय हो गए, उनको पढ़ने में वे बहुत सहायता करते हैं. सो दिस इज द हिंदी ऑफ दिस लाइन. नाउ नेक्स्ट, इन एग्जामिनेशन इट एग्जामिन्स द आंसर बुक्स, अवार्ड्स, मार्क्स, मार्कशीट्स, टोटल मेक्स करेक्ट टोटल ऑफ मार्क्स, प्रिपेयर्स मार्कशीट्स एंड रिजल्ट शीट्स एंड कीप्स रिकॉर्ड्स. नाउ एग्जामिनेशन, व्हाट वी कॉल एग्जामिनेशन इन हिंदी, उसको कहेंगे परीक्षा. सो एग्जामिनेशन है यहाँ पे, तो परीक्षाओं हम यूज करेंगे, ठीक है. इट एग्जामिन्स द आंसर बुक्स. आंसर का मैंने आपको लास्ट में बताया, हम कहते हैं उसको उत्तर. तो बुक्स को हम क्या बोलेंगे, पुस्तक कहते हैं हम. तो यहाँ पे बुक्स यूज होगी, एक बुक को हम पुस्तक कहते हैं. बुक्स यहाँ पे प्लूरल वर्ड यूज हुआ है, सो क्या लिखेंगे हम, पुस्तकाओं, ठीक है. परीक्षाओं में यह उत्तर पुस्तकाओं में को जांचता है. नंबर देता है, क्या देता है ये, नंबर देता है. अवार्ड्स, ठीक है, मार्क्स देता है ये. नंबरों पर सही योग करता है. सो मेक्स करेक्ट टोटल ऑफ मार्क्स. तो इसकी हिंदी क्या होगी, नंबरों पर सही योग करता है. प्रिपेयर्स मार्कशीट्स. मार्कशीट्स को क्या बोलेंगे, मार्क्स को हम अंत, शीट्स को क्या कहते हैं, तालिकाएं, ठीक है. एंड रिजल्ट शीट्स, उसको क्या कहते हैं, वह परिणाम सूची. रिजल्ट को कहते हैं परिणाम आना, आज मेरा परिणाम घोषित हुआ. सो परिणाम सूची बनाता है और रिकॉर्ड रखता है. रिकॉर्ड्स को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और रिकॉर्ड रखता है. आपको एक बार ये डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ये चीज़ें आपको लर्न होती जाएंगी कि इसको क्या कहते हैं. बट आप लोग स्पेलिंग्स का ज़रूर ध्यान रखना, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करोगे तब भी एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स, रेलवेज, पोस्ट ऑफिसेज, टेलीफोन एक्सचेंजेस, बिग कंपनीज, होटल्स एट्सेट्रा. सो इसकी हिंदी हम कैसे लिखेंगे, कंप्यूटरों का बैंकों, ठीक है, बैंक्स को हिंदी में ऐसे लिखते हैं. कंप्यूटर का बैंकों, रेलवे को ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में. पोस्ट ऑफिस को हिंदी में कहते हैं डाकघर, ठीक है. टेलीफोन एक्सचेंज को क्या कहते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज ही लिखा जाता है. स्पेलिंग्स इसके ये हैं. बिग कंपनियों का मतलब है बड़ी कंपनियों, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा इसको. और होटलों आदि में प्रयोग होता है. यूज़ का मतलब है उपयोग होना, ठीक है, किस चीज़ का प्रयोग होना. सो उसको हम कैसे ऐसे लिखेंगे. नेक्स्ट लाइन, ठीक है, इट्स एडवांटेजेस आर स्पीड एंड एक्यूरेसी.
तो इसकी क्या लाभ क्या है, इसके एडवांटेजेस का क्या मीनिंग होता है? लाभ, ठीक है, हिंदी में एडवांटेजेस को हम कह सकते हैं लाभ। सो स्पीड का मैंने आपको पीछे भी बताया था, स्पीड को हम लिखेंगे गति, और एक्यूरेसी को हम क्या लिखते हैं? गणना। ठीक है, ये गति और सही गणना इसके लाभ हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी। सो गति और सही गणना, स्पीड एंड कैलकुलेशन, ये एक्यूरेसी होती है। साइंस हैज गिवन अस मैनी वंडर्स, साइंस की हिंदी क्या है? विज्ञान। विज्ञान ने हमें अनेक वंडरफुल, हमने शुरू में भी पढ़ा था, उसको कहते हैं आश्चर्यजनक या अद्भुत, ठीक है, अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं दी हैं, हमें बहुत कुछ दिया है, जिसका मतलब वस्तुएं दी हैं। कंप्यूटर इज वन ऑफ देम, उनमें से एक कंप्यूटर भी है। इट मे डू एवरीथिंग फॉर मैन एक्सेप्ट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को हिंदी में क्या कहेंगे? सांस लेना। सो इसकी हिंदी कैसे होगी? यह है सांस लेने के अतिरिक्त, एक्सेप्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? अतिरिक्त, उसके अलावा। सो यह है सांस लेने के अतिरिक्त मनुष्य, मैन की हिंदी होगी मनुष्य, मनुष्य के लिए सब कुछ कर सकता है। सो दिस इज द हिंदी ऑफ दिस पैराग्राफ। ठीक है, जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को उतना समझाया, थोड़ा स्पेलिंग्स का ध्यान रख लेना, डोंट डू द स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके जुडिशरी के एग्जाम के लिए। लॉ सब पढ़ लेते हैं बट लैंग्वेजेस पे इतना फोकस नहीं करते हैं। बहुत स्टेट्स में आते हैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। सो साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द अन अकेडमी, यू कैन सर्च माई नेम इन द जुडिशरी कैटेगरी, आप मेरा नेम सर्च कर सकते हो जुडिशरी कैटेगरी में। एंड वन मोर थिंग इज, एक बैच स्टार्ट हो रहा है अन अकेडमी पे 15th of June से। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी हेडेड बाय द अनिल खन्ना सर एंड हिज टीम, दिस इज द टाइम टेबल ऑफ दैट बैच। ये उस बैच का टाइम टेबल है फ्रॉम मंडे टू संडे, एंड दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच, एक साल का बैच है ये, इसमें आपका सारा सिलेबस कवर होगा। टू ज्वाइन दिस बैच आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, दीज आर द प्लान्स फ्रॉम 1 month to 24 months। आप कोई भी प्लान ले सकते हो, अगर आप कोई भी प्लान परचेज करना है देन यूज़ दिस कोड वीवी लॉ, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी प्लान है। अगर 46,000 का प्लान है तो अगर आप 10% यहाँ पे ऑफ लगाओगे तो आपको 4,600 rupees लेस हो जाएंगे। सो ऑलवेज़ यूज़ दिस कोड, ताकि जब भी आप प्लान लो, चाहे एक महीने का प्लान लो, ताकि आपके पैसे सेव हो जाए। नाउ देर इज़ अ मॉक टेस्ट सीरीज दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन अन अकेडमी। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है अन अकेडमी पे 14th of June से, कल से स्टार्ट हो रही है। सो 9 to 9:30 देर आर टेस्ट ऑन योर कोर सब्जेक्ट IPC, CPC, CRPC एंड एविडेंस। ठीक है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड टू अनलॉक दिस ऑल्सो यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज़ वी वी लॉ, इसको अनलॉक करने के लिए भी ये कोड यूज़ कर लेना। नेक्स्ट इज, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, दिस इज़ द ऑफर दैट इज़ फॉर द अनलिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है। अगर आप 12 months की लेते हो, 2 महीने की वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, 18 months के साथ 3 months की, एंड 24 months के साथ दे आर प्रोवाइडिंग यू 4 month सब्सक्रिप्शन फ्री। ये ऑफर ये जो है ये ख़त्म होने वाला है। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, बैचेस ज्वाइन करने हैं, देन टेक द सब्सक्रिप्शन विद इन दीज डेज। ठीक है, आपको साथ में ये फ्री के मंथ्स भी मिल जाते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकेडमी। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी कि आप मुझे अनअकेडमी पे कैसे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताना। इफ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।